अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो हम आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर लेके आए हैं, ठीक है। ये इसलिए प्रीवियस पेपर लेके आए कि आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है, ज़्यादा समय है नहीं, 22 तारीख को पहला पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो ये मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैंने 38 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन हमारी तरफ से हैं, ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 40 में अगर आप 40 में क्वेश्चन में से 35 के नीचे मतलब 36-37 करते हैं तो समझ जाना कि थ्योरी में आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्कोर आपका कितना आता है इस टेस्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। और जो लोगों ने आप अगर आप 22 तारीख पेपर है तो मैं अभी 2-3 पेपर और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास रखे हैं कोपा ट्रेड के, तो 2-3 और कर दूंगा, तो कमेंट करके आप लोग बता दें और सभी साथी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है, सभी लोग साथ में कमेंट भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, और इसमें आंसर इसलिए दिखा दिए, कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा इसलिए हमने इसमें आंसर भी दिखा दिए कि ये प्रीवियस पेपर है, ठीक है। कुछ लोगों की आंखें जो होती ना पट्टी बंदी होती है, अभी भी पेपर 22 तारीख को है ना, सो रहे होंगे बढ़िया से, ठीक है, तो उनसे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे उनके लिए, और आप लोग पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। HTML डॉक्यूमेंट्स में पहला टैग क्या है बताइए, HTML हेड टाइटल या HTML, राइट ऑप्शन कौन सा होगा करिए कमेंट, तो कमेंट यहाँ पर है ही, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन दिखा दिए कि एक बार आपको ऑप्शन दिखा दिए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब नहीं आपको मिलेंगे, अब आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। कौन सी वेब भाषा HTML तत्वों पर अधिक नियंत्रण देती है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है, BML, XML, HTML, DHTML, बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करिए। तो जो भी साथी ऐसे हैं जो इसका कमेंट के आंसर लगा रहे हैं, क्या डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डी वाले जितने भी ट्रेनी हैं जो लगा रहे हैं डी, बिल्कुल ट्रेनी आप लोग सही आंसर लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, ESC, टैब, कंट्रोल या एंटर, बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं सभी साथियों का आंसर देख रहा हूँ। चलिए बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका लगा रहा है क्या ESC ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो, बहुत सही, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है, डिजाइन लागू करें, बुलेट, नई स्लाइड या फिर स्लाइड लेआउट, बताइए जल्दी से सभी साथी इसका भी कमेंट करें, सभी ट्रेनिंग आंसर करते चलिए अगर आपको आता है तो, ये प्रीवियस पेपर है मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए राइट आंसर डी, स्लाइड लेआउट राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WAN के लिए कौन सा उदाहरण है, ईथरनेट, होम नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क, ब्लूटूथ, चलिए अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जब ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग ए ऑप्शन लगाना है, कौन सा इंटरनेट, क्या है लगाना है इंटरनेट, एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ईथरनेट एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे है IP का फुल फॉर्म क्या है बताइए, इंटरनेट प्रोटेक्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट, यार एक मिनट,
अच्छा हाँ, बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा, टी आर ए है टी ई है, देख रहे बी और सी में बिल्कुल सटीक आंसर है, थोड़ा सा एक वर्ड का अंतर है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आईपी का फुल फॉर्म बताइए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो लोग सी आंसर कमेंट में कर रहे हैं, सी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। आगे क्वेश्चन है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, ठीक है, माइक्रो एंटीवायरस, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो जो साथी लगा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग इसका कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है, बताइए, टास्क बार, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट या रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, विंडोज़ के न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहते हैं बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करेंगे विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर भी कर चुके, आप लोग आंसर भी लगा चुके हो, क्या बात है। टास्क बार, बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी साथी सही आंसर इसका लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलेंगे अपने सभी ट्रेनियों को। क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है, 255, 256, 64,000, 65,000, बताइए अधिकतम कितने वर्णों की क्या पहुंच है। तो 255 ए ऑप्शन, इसका भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। इसको हल्के में ना लें, प्रीवियस पेपर को ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, वार्निंग, पढ़ना, स्वीकार करना, एक्सेस करना। चलिए जल्दी से सभी लोग इसका भी कमेंट करेंगे, सभी के सभी ट्रेनी आराम से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। वार्निंग बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन वाले सभी के सभी ट्रेनी हमारे सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलेंगे, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है, DIR, PH, सब डायरेक्टरीज या फिर ट्री, बताइए इसका सही आंसर करिए कमेंट इसका भी आप लोग। सभी के सभी साथी इसका आंसर करेंगे, करिए कमेंट करिए। राइट आंसर सी, सब डायरेक्टरीज, यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउट को पुनर्दर्शित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर करने में ए बी सी डी कौन सा होगा आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ए, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, एमएस वर्ड में कर्सर की स्थिति किस पट्टी में है, लेआउट में है, टाइटल बार में है, स्टेटस बार में है, हॉरिजेंटल रूलर में है, चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग अब कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, स्टेटस बार, जो लोग इसका लगा रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर आप लोग
लगा रहे हो क्या? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे, सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलेंगे, ये रहा तो संपूर्ण दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ई। ये हो चुका था हमारा, इसका राइट ऑप्शन हमने क्या लगाया था, सी ऑप्शन, स्टेटस बार। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करिए सभी लोग। संपूर्ण दस्तावेज में उच्च प्रकाश में लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछी है, बताइए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। तो जो भी आईटीआई के स्टूडेंट है जो लगा रहे हैं कंट्रोल प्लस ए, ए ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी साथी सही आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे लेके चलते हैं, एक्सेल में कौन सी टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा और रक्षा सुरक्षा और अंकन, मतलब कि ये सभी अंकन के लिए किया जाता है, बताइए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, सभी के सभी साथी आंसर करेंगे। समीक्षा, क्या बात है, समीक्षा यानी कि रिव्यू। राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी, सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे चलते हैं, सुश्री कार्यालय में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है? पहुंच, एक्सेल, पावर पॉइंट, शब्द, बताइए बताइए। एक्सेल बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन बी, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? सेलिंग, डीमैक्स, लेन, मैक्स, बताइए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, सभी साथी या कमेंट करेंगे। राइट आंसर मैक्स, मैक्स वाले सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे जो लोग भी मैक्स लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिकाओं की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है? डिजाइन दृश्य, डेटा शीट दृश्य, पीवट देवल रिव्यू, पीवट सार्क दृश्य, बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, बताइए जल्दी से। 18 का ए, डिजाइन दृश्य, 18 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए, ए वाले हमारे सभी साथी 18 का सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, एक्सेल में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? 16 अक्षर, 32 अक्षर, 64 अक्षर, 128 अक्षर, बताइए जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। एक्सेल में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई 64 वर्ड, कितने हो जाएंगे, 64 वर्ड। राइट ऑप्शन सी, अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर पाए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। और वीडियो छोड़ के कुछ लोग जा भी चुके हैं, एक दो लोग, अरे मत जाइए, 22 तारीख बच के आपको अब मैं पेपर दे दूं क्या करूं कि जिससे तुम 38 में से 38 ले आओ, बिल्कुल दिमाग शुद्ध ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, क्रेडिट, डेबिट, लॉस, प्रॉफिट, आंसर करिए फटाफट सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए फटाफट। बिल्कुल सही, जो भी ट्रेनी इसका लगा रहा है डी, डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, डी वाले सभी के सभी साथी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है? परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बताइए जल्दी बताइए सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल सही, 21 का बी, परचेस रिटर्न बुक, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बी ऑप्शन, इसका क्या था डी। चलिए आगे चलते हैं,
कौन सा कारक उत्पादक की लागत निर्धारित करता है? प्रत्यक्ष लागत, लागत के तत्व, अप्रत्यक्ष लागत, मानक की लागत, कौन सा करता है बताइए जल्दी से। 22 नंबर का लागत के तत्व, बिल्कुल सही। जो लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं इसका बी, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी आईटीआई के ट्रेनिंग, सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एसेट, कैपिटल, डेबिट या फिर देयताएं, बताइए जल्दी से सभी लोग। सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। ए, कैपिटल, बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। बी वाले हमारे सभी के सभी साथी सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन सब राइट हैं, बी ऑप्शन वाले। अगला क्वेश्चन ये रहा, सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित है? सामान्य खाता है, असली खाता, नफा और नुकसान खाता या फिर व्यवसाय खाता, बताइए जल्दी से। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, मैं सभी साथियों कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका आंसर लगा रहे हैं, व्यवसाय ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर है? डी ऑप्शन में है। जो साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। और इसका क्या लगाया था आप लोगों ने? कैपिटल, ठीक है। अब इसका डी ऑप्शन, डी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? डिबगिंग, एक्सेक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, बताइए। 25 नंबर का भी आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। 25 नंबर का जो भी साथी इसका लगा रहे हैं, 25 का डी, 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्रामिंग, बिल्कुल राइट आंसर। प्रोग्रामिंग एकदम राइट आंसर आप लोग लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एरे ट्रेकल के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, उस कोड को हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर बी, जो भी साथी इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हो। बी वाले हमारे सभी के सभी ट्रेनी सही आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? कर्व, स्क्वायर, कर्ली या कॉर्नर, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, करिए कमेंट। 27 का, 27 पर आ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, सी ऑप्शन एकम राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया। सी वाले सभी लोग साथी सही हो जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल परसेंटेज ऑपरेटर क्या है? प्रतिशत मान, उत्पाद मान, अनुस्मारक मान या हम कहेंगे भाव का मान, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। वो हो जाएगा रिमाइंडर वैल्यू, यानी कि सी ऑप्शन, रिमाइंडर वैल्यू राइट आंसर सी हो जाएगा। जितने भी साथी लगा रहे हैं सी सही कर लो, सही आप लोग गलत मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक्सेल वी बी ए में कितने न्यूमेरिकल डेटा टाइप उपलब्ध होते हैं? 4, 5, 7, 8, कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने होते हैं। तो राइट आंसर सी, यानी कि 7 होते हैं, कितने होते हैं? 7 होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, वी बी ए में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है? लिटरल्स, वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका लगा रहा है क्या, देख रहा हूँ, डी ऑप्शन, रिवर्स्ड रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
यूज़र इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सी वी बी ए एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी ट्रेनी कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 31 का आप लोग लगा रहे हो, अगर आप लोग लगा रहे हो बी, तो बिल्कुल आपका सही आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट, एक्सेल वी बी ए की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है? रेंज ऑब्जेक्ट, वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कशीट, एप्लीकेशन। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 32 का, 32 पर आ चुके हैं, इसका सही आंसर ए बी सी। कमेंट करिए फटाफट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था इसका, इसका था वी वी ए। चलिए इसका डी ऑप्शन जितने भी ट्रेनी लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बटन पारस्परिक अनन्य विकल्प के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है? बटन, ऑप्शन बटन, स्पून बटन, टॉगल बटन। बताइए जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे कोपा के, क्योंकि कोपा का यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए करवा दिया जाए। तो राइट आंसर स्पिन बटन, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा सी। जितने भी ट्रेनी ऐसे हैं जो सी आंसर लगा रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स, POS, पारंपरिक वाणिज्य, ई सेवा। बताइए जल्दी से सभी लोग इसका भी कमेंट करेंगे, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी इसका आंसर लगा रहा है ए ई कॉमर्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता? क्रेडिट, पेपल, डेबिट कार्ड, वॉलेट, कौन सा देता है? बताइए जल्दी से। राइट आंसर सी डेबिट कार्ड। जो लोग भी इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स साइट कौन सी है? याहू, बिग, गूगल, वीरांगना। बताइए ई कॉमर्स साइट कौन सी है, तो वो हो जाएगी अमेज़न। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स साइट कौन सी है? अमेज़न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है? OTP, पिन, ऑथोरिजन, पासकोड। बताइए जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। सूचना सुरक्षा संबंधित संसाधन तक पहुँच निर्दिष्ट करने का कार्य है ऑथोरिजन। राइट आंसर सी। जो साथी इसका सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया? बताइए जल्दी से कब पारित किया? 38 का, 2000 में। कब किया? 2000 में। राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सी, 2000 में पारित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वर्म और ट्रोजन। स्पैम है, फिशिंग है, मलवेयर है, हॉर्म है, क्या है बताइए? राइट आंसर करिए। तो ऑप्शन सी मेलवेयर है। क्या है ये सभी के सभी? मेलवेयर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? थ्रेट, अटैक, हैकिंग, सुरक्षा ऑडिट। जो भी है इसका चार ऑप्शन में से आप लोग 50-50 दे दे रहा हूँ, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन है आप लोग कमेंट करके बता देना है। अगर नेक्स्ट, अगर प्रीवियस पेपर अगर चाहते हो तो 40 ये क्वेश्चन करवाए हैं, 40 में से आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट बता देना, और 40 में से इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक दो पेपर और बच्चे हुए लगभग, एक दो पेपर कमेंट करके बता देना, वो भी करा दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को प्यार सपोर्ट शेयर किया अपने दोस्तों में तो बहुत जल्द आपके लिए करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।